नमस्कार दोस्तों। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे आईएएस पीसीएस के लिए टॉप क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के लिए। तो याद रखिए, अभी तक हम लोग तीन ख़त्म कर चुके हैं और वो तीनों आपको जनरल स्टडीज टेस्ट के नाम से, जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में मिल जाएंगे। और इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, ठीक है? वहाँ से डाउनलोड करते रहिए। चलिए, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि आप मध्य भारत से होकर यात्रा करते हैं तो आप निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखेंगे? यदि आप मध्य भारत से होकर यात्रा करते हो तो आप निम्नलिखित में से किन पादपों को प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखेंगे? तो याद रखना, सागवान और साल, ठीक है? इन दोनों को, इसमें क्या है, इसमें ए ऑप्शन आपका सही है, केवल एक और दो, सागवान और साल, ठीक है? मध्य भारत में मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय है पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। मध्य भारत में पादपों की पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां हैं सागवान, साल, शीशम, हर्रा, हर्रा, महुआ, आंवला, चंदन, तेंदू, पलाश, अमलतास और खैर। और जो जो ओक है, ओक के साथ साथ देवदार, चेनार, अखरोट आदि पर्वतीय वनों की प्रजातियां हैं, ठीक? जो प्रेया हिमालय क्षेत्र में और पूर्वी तथा पश्चिमी घाट के पर्वतीय मैदान में पाए जाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर है आपका दूसरा, कौन सा क्वेश्चन नंबर दूसरा, जलीय जीवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कथन है, इसमें तड़क असंबद्ध जीव होते हैं जो वायु, जल, अंतराफलक जैसे कि तैरते हुए पादपों पर रहते हैं। गलत है। पटलक ऐसे जंतु हैं जो स्वाभाविक तैराक होते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नितलस्थ ऐसे जीवों का समुदाय है जो गहरे सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये आपका सही है, क्या है, तीसरा सही है। तो आपका इसमें होगा दूसरे में होगा आपका केवल तीन, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। जलीय जीवों उनके पाए जाने के क्षेत्र और इन क्षेत्रों में गतिशील होने के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैविक पारिस्थितिकी तंत्र में वनस्पति और जीवों को उनके जीवन स्वरूप या स्थान के आधार पर पांच समूहों में वर्गीकृत किया गया। तरडक जो होता है, इस समूह में उन जीवों को शामिल किया गया है जो प्राकृतिक रूप से तैरने वाले होते हैं। तैराक आकार में अपेक्षाकृत बड़े और शक्तिशाली होते हैं, जिसके कारण तेज जलधाराओं को आसानी से काबू में कर लेते हैं। इनके आकार भिन्न भिन्न होते हैं। इन समूहों का सबसे छोटा प्राणी तैरने वाला कीट है, जिनका आकार लगभग 2 mm है, जबकि सबसे बड़ा प्राणी है बिलू व्हेल। फिर है आपका पटलक। पटलक एक स्वतंत्र जीव होते हैं जो वायु, जल, अंतराफलक में रहते हैं, जैसे तैरने वाले पौधे आदि। कुछ जीव अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा वायु, जल, अंतराफलक में व्यतीत करते हैं, जैसे वाटर स्ट्राइडर, जबकि अन्य अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा वायु, जल, अंतराफलक के नीचे व्यतीत करते हैं और अपना अधिकांश भोजन जल में ही प्राप्त करते हैं, जैसे झींगुर तथा बैक स्विमर्स। फिर पेरीफाइटन, एक जीव जड़ वाले पौधों की पत्तियों और तनों से जुड़े रहते हैं। फिर प्लैंकटन, इस समूह में आने वाले जीवों में सूक्ष्मदर्शी पौधे जैसे शैवाल और जीव प्राणी आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर आपका अगला है तीसरा क्वेश्चन, भारत में प्रमुख प्रवाल भित्ति क्षेत्र हैं मन्नार की खाड़ी,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, याद रखिए चारों हैं आपके। क्या होगा इसमें? इसमें होगा आपका चारों, चारों ऑप्शन किसमें? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर चार है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस बात की सर्वाधिक संभावना है कि आपको वहां जमीन पर रहने वाले गंभीर संकटपन रात्रिचर पक्षी जेडॉन कॉर्सर अपने प्राकृतिक अधिवास में मिल सकते हैं? तो याद रखना, प्रायद्वीपीय भारत में के झाड़दार जंगल आंध्र प्रदेश में, ठीक है? इसमें क्या होगा? ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन है आपका 5, क्वेश्चन नंबर 5। घास भूमि आवास की स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। यह स्तनधारी भारत भारत की विस्तृत तराई घास भूमियों में पाया जाता है। यह एक गंभीर संकटपन्न प्रजाति है जिसके लिए 1996 में असम में एक कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था। शिकार के साथ साथ लुप्त होती घास भूमियों ने इसके अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न कर दिया है। यह मुख्य रूप से मानस वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु हो सकता है? तो याद रखना, पिग्मी हॉग। ए ऑप्शन आपका सही है। क्या है? पिग्मी हॉग। क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका, पवित्र उपवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पवित्र उपवन स्थानीय लोक देवताओं को समर्पित क्षेत्र है, सही है? ये पश्चिमी घाट के आसपास पाए जाते हैं लेकिन देश में पूर्वी हिस्से में नादारत हैं। ये गलत है। ये जैव विविधता संरक्षण, जल स्तर रिचार्ज और मृदा संरक्षण में मदद करते हैं। सही बात है। तो इसमें होगा आपका 1 और 3 कथन सही है। क्या है? 1 और 3 यानी कि बी ऑप्शन। क्या है? 1 और 3 बी ऑप्शन सही है। इसमें बात कर लेते हैं, 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, याद रखिए। भारत के पवित्र उपवन में वनों के अंश या प्राकृतिक वनस्पति के हिस्से शामिल हैं जिनमें कुछ वृक्षों से लेकर कई एकड़ में फैले वन होते हैं जो सामान्यतः स्थानीय लोक देवताओं को समर्पित हैं। जैव विविधता संरक्षण का एक पारंपरिक माध्यम इन उपवनों को प्राकृतिक अभयारण्यों के समकक्ष प्राचीन माना जा सकता है जहाँ सभी जीवित प्राणियों को किसी देवता द्वारा संरक्षण दिया गया है, ठीक है? वर्तमान में केवल लगभग 1,000 वर्ग किलोमीटर के उपवन हैं जो टुकड़ों में देश भर में फैले हुए हैं। केरल और कर्नाटक में पश्चिमी घाट में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ये उपवन पूर्वी भारत में भी पाए जाते हैं। उदाहरणतः देश के कुछ सबसे घने ऐसे उपवन मेघालय की खासी पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय रूप से लॉकिंग टैंक्स के रूप में जाना जाता है। पारिस्थितिकी महत्व, जैव विविधता का संरक्षण, वनस्पति और जीवों की विविधता के भंडार, ये उपवन संबंधित भौगोलिक क्षेत्र में स्थानीय प्रजातियों के अंतिम आश्रय स्थल होते हैं। जल भृत की रिचार्जिंग, ये प्रयाग तालाबों धाराओं या झरनों के साथ जुड़े होने के कारण स्थानीय लोगों की जल आवश्यकता को पूरा करने में सहायता करते हैं। वनस्पति आच्छादन जल भी की रिचार्जिंग में मदद करते हैं। मृदा संरक्षण, उपवन में वनस्पति आच्छादन होने से क्षेत्र में मृदा की स्थिरता बढ़ती है और मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायता करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में गंभीर संकटपन स्तनपायी नहीं है? तो याद रखना है, हिमालय ब्राउन, रेड बियर तथा लॉर्ज रुक चूहा या एलवीरा चूहा, ये है पिग्मी हॉग अथवा तथा अंडमान का श्वेत दंत छछूंदर, ये है कोंदाना चूहा तथा नाम दफा की उड़न गिलहरी, ये भी है मार्वल्ड बिल्ली तथा कृष्णमेघ, ये नहीं है। तो आपका 7 का क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन होगा 7 का, ठीक है?
जो मार्बल बिल्ली और कृष्ण में निकट संकटपन स्तनपारी हैं, से सभी जीव गंभीर संकटपन श्रेणी में सूचीबद्ध हैं, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ब्री एंटलर्ड डियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इस पॉइंट को पकड़िए कि क्या पूछ रहा है, सही नहीं है या सही है। तो याद रखना है, इसे IUCN की गंभीर संकटपन प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया, नहीं किया गया। ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसका, क्या होगा, 8 का ए। भारत के संदर्भ में यह केवल मणिपुर स्थित लोकटर झील में पाया जाता है। इसे EID डीर तथा थाइमीन भी कहा जाता है। तो ये दोनों सही है, इसमें ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ब्रो एंटलर डियर संगाई हिरण प्रजातियों की संख्या में गिरावट की अनुमानित दर के आधार पर इसे इन्हें संकटपन्न माना जाता है। पहले इस प्रजाति के आवास का विस्तार दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया तक था। वर्तमान में इसकी आबादी कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गई। अब इनकी आबादी की मूल संकेंद्रण मणिपुर की लोकटक झील के दक्षिण में है। यह म्यांमार और थाईलैंड के कुछ क्षेत्रों में भी पाया जाता है। यह हिरण इस झील में तैरते बायोमास फोमड़ी पर रहता है। यह जब तैरते बायोमास पर चलता है तो प्रायः अपने को संतुलित करता है, जिससे यह हरी घास पर नृत्य करता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए इसे मणिपुर का नृत्य करने वाला हिरण भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विदेशी प्रजातियां ऐसे पादप एवं जंतु हैं जो केवल अपने मूल क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, गलत है। स्थानीय प्रजातियां जिन्हें एलियन स्पीसीज या आक्रामक प्रजातियां भी कहा जाता है, गैर देशीय वातावरण में पाई जाती हैं, ये भी गलत है। आपकी याद रखना, आपके दोनों कथन गलत हैं। ये पौधे जो या जंतु स्थानीय या स्थानीय प्रजातियां कहलाते हैं जो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हो। स्थानीय या स्थानीय जंतु क्या कहलाते हैं? पौधे जो केवल एक भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद हो। प्रजातियां पृथ्वी के बड़े या छोटे क्षेत्र के लिए स्थानीय हो सकती हैं। आमतौर पर वे क्षेत्र जहाँ स्थानीय प्रजातियां निवास करती हैं पृथक होते हैं, ताकि उन प्रजातियों का अन्य क्षेत्रों तक फैलना कठिन हो। इसमें असमान पर्यावरणीय विशेषताएं होती हैं, जिससे पिति स्थानीय प्रजातियों में विशिष्ट अनुकूलता होती है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर के लेमूर और गैलापागोस द्वीप के कछुए स्थानीय प्रजातियां हैं। ठीक, फिर है विदेशी प्रजातियों को आक्रमणकारी प्रजातियां या गैर स्वदेशी प्रजातियों के रूप में जाना जाता है। विदेशी प्रजातियां मनुष्यों द्वारा अपने मूल निवास स्थलों से बाहर के क्षेत्रों में ले जाई जा रही हैं। उदाहरण के लिए जब जलकुंभी मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में गर्म मौसम में उष्णकटिबंधीय दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में इस जलीय पौधे का विकास होता है। यह जल से पूरी ऑक्सीजन को सोख लेता है और अन्य जलीय प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न करता है। ठीक, तो इसमें दोनों कथन आपके गलत थे, यानी कि डी ऑप्शन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौ स्थानीय संरक्षण विधि है? तो याद रखना, संरक्षित क्षेत्र क्या है? संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11। 11 है क्वेश्चन, समुदाय के रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी, सही है, सही है। सामुदायिक रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, भारत में सामुदायिक रिजर्व वे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो मुख्यतः भारत के राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों तथा सुरक्षित व संरक्षित वनों के बीच गलियारों में बफर जोन के रूप में कार्य करते हैं। सही है, इन सुरक्षित क्षेत्रों की श्रेणियों को पहली बार वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2000 में तो 2002 में शुरू किया गया था। ये भी सही है, आपके दोनों कथन सही हैं इसमें। ठीक है, 11 में 2
दोनों कथन आपके सही हैं, यानी कि सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से ईविल क्वार्टेट किस श्रेणी में आते हैं जो जैव विविधता की क्षति की वजह है? तो इसमें पहला है आवास क्षति तथा विखंडन, अत्यधिक दोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। तो इसमें तीनों सही हैं आपके। क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा, 12 का आपका डी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, निम्नलिखित में से किस देश ने ऋण राहत के बदले दो समुद्री पार्कों के निर्माण का निर्णय लिया है? याद रखना, सेशल्स। सेशल्स सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वह ऋण राहत के बदले दो विशाल समुद्री पार्क बनाएगी जहां मछलियों तथा प्रवालों का संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश समुद्री आर्कटिक शांति अभ्यारण संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया? तो यह समोआ। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, समोआ प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो समुद्री आर्कटिक शांति अभ्यारण संधि का पहला हस्ताक्षरकर्ता बना है। समुद्री आर्कटिक संधि अभ्यारण संधि में आर्कटिक बेल्ट के उत्तर के संपूर्ण सागरीय क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है ताकि उसे सभी प्रकार के शोषण और सैन्यकरण से स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बैरन द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह अंडमान सागर में अवस्थित एक विषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। गलत है, इसमें महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा शामिल है। ये भी गलत है, यानी कि आपका डी ऑप्शन होगा, ना तो एक सही है ना ही दो। पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व स्थित बेरन द्वीप भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी में पहला भयानक विस्फोट 1787 में हुआ था। 1991 में 150 साल तक निष्क्रिय रहने के बाद इसमें फिर से विस्फोट हुआ। तब से इस ज्वालामुखी में रुक रुक कर लगातार विस्फोट हुए, जिसमें सबसे हालिया विस्फोट जनवरी 2017 में हुआ था। यह द्वीप निर्जन और किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण वनस्पति से राहत है, लेकिन यहाँ पक्षियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंडमान जिले में है। इसमें बैरन द्वीप शामिल नहीं है, याद रखिए। समुद्री कछुओं सहित समुद्री जीव जंतुओं प्रवालों की रक्षा के लिए यह राष्ट्रीय पार्क स्थापित किया गया था। जॉली बॉयज और रेड स्किन द्वीप महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान के सबसे लोकप्रिय द्वीपों में से एक है तथा ऐसे द्वीप जहाँ पर्यटक जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। पहला है, भारत में जिप्स गिद्धों की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आई है, अब वे गंभीर रूप से संकट ग्रस्त हैं। ये आपका सही है। दूसरा है, द जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित एक कैप्टन प्रजनन केंद्र जिसका लक्ष्य वनों में गिद्धों को पुनः प्रविष्ट करना है। ये आपका गलत है। ठीक है, तो केवल एक है इसमें कथन। उन्नीस सौ बानवे और 2007 के बीच भारत तीन जिप्स गिद्धों की तीन प्रजातियों में से लंबी चोंच वाले गिद्ध या लॉन्ग बिल्ड और पतली चोंच वाले गिल्ड स्लेंडर बिल्ड की आबादी 97% कम हो गई थी, जबकि सफ़ेद पूंछ वाले गिद्ध या वाइड रेट की संख्या में 99.9% की और भी विनाशकारी गिरावट आई। ठीक है,
भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियों में से डाइक्लोनोफेनेक सिज़िप्स गिद्धों की 5 प्रजातियों में 3 प्रभावित होती हैं। ठीक, पिंजौर, पिंजौर हरियाणा में स्थित जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और हरियाणा वन विभाग का एक संयुक्त प्रयास है। भारत में इस तरह 8 ऐसे प्रजनन केंद्रों में प्रथम है। इसके अतिरिक्त ऐसे सभी संरक्षण प्रजनन केंद्रों के चारों ओर लगभग 100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के दायरे को सुरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विश्व की सबसे बड़ी घास भूमियाँ शीतोष्ण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। सही है। दूसरा है, अर्जेंटीना के पंपास उष्ण कटिबंधीय घास भूमियों के उदाहरण है। ये आपका गलत है। भारत में हरी घास भूमियाँ लगभग अनुपस्थित हैं। ये आपका सही है, यानी कि 1 और 3 कथन इसमें सही है, सी ऑप्शन सही है। अर्जेंटीना के पंपास शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ते हैं। याद रखिए, अर्जेंटीना के पंपास शीतोष्ण क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, भारत की एकमात्र घास भूमि कच्छ का रण है, जिससे केवल मरुस्थलीय घास भूमि के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। भारत में पवित्र उपवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 1 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। दूसरा है, इनकी पहचान अक्सर मुख्यधारा के धार्मिक देवताओं के साथ की जाती है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी कि दोनों कथन आपके गलत हैं, डी ऑप्शन होगा। सही क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत पवित्र उपवन को परिभाषित नहीं किया गया है, याद रखिए। ठीक है, पवित्र उपवन को अक्सर प्रकृति पूजा से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए इनके अंदर पारंपरिक रूप से स्थानीय लोक देवता रहते हैं। इनमें लोक प्रथाएं संबंधित होती हैं। ये देवता अधिकांशतः लोक देवता होते हैं, जो कोई पशु, मानव, बाघ, सर्प, गौर, भगवान आदि हो सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 से आपका। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान लाहौल और स्पीति जिला हिमाचल प्रदेश में है। सही है, किब्बर वन्यजीव स्पीति घाटी अभयारण्य आपका हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान आपका गारो पहाड़ियाँ मेघालय में। शांति घाटी राष्ट्रीय अभयारण्य आपका ये नीलगिरी पहाड़ी उद्यान है। सही है, तो आपका इसमें डी ऑप्शन होगा, चारों सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, सॉरी 20, क्वेश्चन नंबर 20। आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। इस पहल के तहत लाभार्थी केवल सार्वजनिक अस्पतालों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गलत है, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। ये भी आपका गलत है। राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश इस योजना का कार्यान्वयन बीमा कंपनी के माध्यम से या सीधे ट्रस्ट सोसाइटी के माध्यम से कर सकती है। ये आपका सही है, इसमें होगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 3 सही है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत 2 प्रमुख कार्यक्रम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना है। ठीक, लाभार्थी सार्वजनिक एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। ठीक है, याद रखिए। दूसरा है, लाभार्थियों की पहचान को सटीक रूप से प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड का उपयोग वांछित है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत अनिवार्य नहीं है। आधार संख्या के अभाव में किसी को भी स्वास्थ्य लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 याद रखिए, इसमें सी है। क्वेश्चन नंबर 21, मेघालय में मनाया जाने वाला बेदीन खलम महोत्सव संबंधित है, तो याद रखना, जयंतिया जनजाति से। ए ऑप्शन
सही है आपका। याद रखिए, मेघालय में बेदनी खलम महोत्सव को हैजा के दानों को दूर करने के लिए मनाया जाता है। इसे प्रतिवर्ष जुलाई में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है। हाल ही में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, या जिसका केंद्रीय विषय एक समावेशी न्याय संगत वैश्विक अनुक्रम को प्रोत्साहन था, गलत है। इसका लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य 2030 के क्रियान्वयन हेतु मिलकर कार्य करना है। ये सही है। इसमें यूएनएफसीसी के सिद्धांतों के तहत अपनाए गए पेरिस समझौते को पूरी तरह लागू करने का आह्वान किया है। ये सही है। इसमें 2 और 3 आपके कथन सही है। ठीक, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है आपका, ये 2018 की बात कर रहा था। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 23। समाचारों में रहे मार्शल द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो याद रखना है, यह भूमध्य रेखा के उत्तर में प्रशांत महासागर में स्थित है। सही है। इसे सॉवरन को अपनी मुद्रा के रूप में मान्यता दी है। ये भी सही है। इसका क्वाजालीन प्रवाल द्वीप अमेरिका का एक सैन्य अड्डा व मिसाइल परीक्षण रेंज है। ये भी सही है आपका। यानी कि तीनों कथन सही हैं आपके। पूछा क्या है इसने, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, तीनों कथन सही हैं, तो इसमें क्या होगा, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए, तीनों आपके कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ने वाले सभी देशों के लिए खुला है। सही है। म्यांमार इसका हस्ताक्षर बना था। ये भी सही है। यह एक ऐसा पहला, तीसरा कथन है। ठीक है, यह एक ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसका सचिवालय भारत में स्थित है। ठीक है, ये भी सही है, तीनों आपके सही हैं। पूछा क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, तो ये तीनों सही हैं, तो इसमें होगा आपका डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण एनआरसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, असम के नागरिकों को उनके घरों संपत्ति की गणना के उद्देश्य से इसका पहला आयोजन 1951 में किया हुआ। एनआईसी की प्रक्रिया अवैध प्रवासियों, विशेषकर बांग्लादेश के प्रवासियों के मुद्दे से निपटेगी। ये भी सही है। उपयुक्त नागरिक दस्तावेजों के कथित अभाव के कारण सरकार द्वारा मताधिकार से वंचित किए गए मतदाताओं को डी वोटर के रूप में चिन्हित किया गया। ये भी सही है, तीनों आपके कथन सही है, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये थे 25 क्वेश्चन आपके टॉप।